आज बिहार सरकार में देखते होंगे टीवी मीडिया में कितना हंगामा हो रहा है। चारे विधायक पर मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल रहा है। आज हम किसी सीएम को कहेंगे ये करने के लिए वो करने के लिए, अरे क्या निषाद के बेटा उस जगह नहीं पहुंच सकता है? हमसे लड़ने के लिए देश के गृह मंत्री है, हमसे लड़ने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री है। हमें अपना बिहार में सरकार बनाना है। हमें ऐसी शक्ति चाहिए कि दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने वो हमारी बात माने। हमारे नाव पे जो बैठेगा वही पार लगेगा आने वाले समय में, जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो नाव पार नहीं होगा। साथियों, अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो मात्र दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। और दूसरा, संगठित होइए, एकता के साथ रहिए और संघर्ष कीजिए। एक साथ आके लड़ाई लड़िए साथियों, तब आने वाला समय में आपका झंडा बुलंद होगा। साथियों, झंडा बुलंद होगा। आज हमारे साथी ने, बहुत सारे साथी ने अपनी अपनी बात को रखा। आज मैं बिहार में आया तो पूरे बिहार के निषाद समाज ने खड़ा होकर कहा, किशन अपल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज आपके बीच में हम लोग बैठे हैं। आज हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, लेकिन अगर आपका अधिकार है तो आपको छीनना पड़ेगा। मांगने से किसी को दया आ जाए तो आपको आशीर्वाद दे सकता है या भीख दे सकता है, आपका अधिकार नहीं देगा। साथियों, आपको अपना अधिकार नहीं देगा। अगर आपका अधिकार है तो लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। आजादी का 78 साल हो चुका है। आज 78 सालों में 5 साल से मैं आया हूं पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, लेकिन इससे पहले लोगों ने अपने लिए जिया, अपने परिवार के लिए जिया। लेकिन जब 5 सालों से हम आपके बीच में आए, आपने कहा सन्ना पल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो हमने बिहार में परिवर्तन लाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, आज बिहार में टिकट हम मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं। ये पहचान हमारे पास है साथियों, ये पहचान है। बिहार में लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन बिहार में आकर हमने बताया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता है और नेतृत्व भी करना होता है। ये मैंने आके सिखाया। आपने देखा 2019 में हमने निषाद को बेटा को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाया। हार जीत जो भी हो, लेकिन पहले दिन क्लियर हो गया कि कोई भी जीतेगा निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद बनेगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से भी और यूपीए की तरफ से भी निषाद का बेटा ही चुनाव लड़ रहा था। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। हमारी मुख्य लड़ाई जो है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब हमें एससी का आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? और इसके लिए आप सबको पता होगा, 25 जुलाई से लेकर लगातार 5 महीना पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में एक एक निषाद के गांव में गए और सभी को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ेंगे, नहीं कि किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से पीछे जाएंगे। आज बिहार में बहुत शक्ति के साथ आज हम लोग हैं। आपने देखा, आपका दुश्मन बहुत है, हर एक व्यक्ति आपका दुश्मन है, चाहे वो राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो या अन्य लोग हैं, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है। यह निर्णय आपको लेना है कि हमें लड़ाई लड़ना है कि एक साथ आगे बढ़ना है, यह निर्णय आपको लेना है। आज हमें, हमसे बहुत लोग लड़ता है, बहुत सारे लोग हमें चाहता गिरा देना। आपने देखा ना, 2020 में पहली बार लड़ाई लड़कर 4 विधायक हमने बनाया, खुद अपने दम पर मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना था, हमारे सहयोग से, समर्थन से
बिहार में सरकार बना, अब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बना, अगर हम समर्थन नहीं देते, एक निषाद मल्ला का बेटा समर्थन नहीं देता, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास था। लेकिन आपने देखा दुश्मन आपका कितना चालाक था, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको पार्टी तोड़ दिया। आज अगर आपके पास चार विधायक होता तो आज बिहार सरकार में देखते होंगे टीवी मीडिया में कितना हंगामा हो रहा है। चारे विधायक पर मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल रहा है। आज हम किसी सीएम को कहेंगे ये करने के लिए वो करने के लिए? अरे क्या निषाद के बेटा उस जगह नहीं पहुंच सकता है? उस जगह पहुंच सकता है। हमें अभी गिड़गिड़ाना नहीं है किसी से, किसी के सामने हाथ को फैलाना नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगना है। हमारे शरीर में खून दो है, हमारे शहीद चुब्बा सैनी का एक लव का वंशज हमें है, हमारे शरीर में वही खून है और हम लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में परिवर्तन लाएंगे। आज हम लड़ाई लड़े, पिछले 5-7 सालों में आपके सहयोग से 4 विधायक बनाया, आने वाले समय में 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 बना के निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और अपने हाथों से काम करेगा। साथियों आज 77 सालों में उन लोगों ने आपको आरक्षण नहीं दिया, निषाद को एक नहीं कर पाया, अब क्या आपको उम्मीद है वो आपको आरक्षण देगा? नहीं देगा। क्या आपको एकीकरण करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि जिससे उनको फायदा है वो अपना फायदा करेगा, जिससे आपका नुकसान है वो आपको नुकसान आपको करने का हमेशा काम करेगा। यह निर्णय आपको लेना है कि कैसी लड़ाई लड़ना है। इसलिए साथियों 2024 का चुनाव है और हमारे सभी साथी वीरेंद्र जी, रंजीत जी, सभी पार्टी के नेता का कहना है कि स्थानीय नेता को मौका मिले तो आपका भाई जिंदा रहेगा तब ना मौका देगा। आपको तो भाई के साथ रहना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली बार हमने किसी निषाद को बेटा को टिकट दिया, आगे भी देंगे, लेकिन आपको दल के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आपको पूरे बिहार में बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ वीआईपी पार्टी है, हम सिर्फ निषाद समाज है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। इसके लिए साथियों मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों आने वाले समय में बहुत बड़ी लड़ाई है और आप लोगों ने काम की कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, हम सभी का लड़ाई है। तो ये ना सोचे कि हमारे एक अकेला आदमी से पूरा बिहार का कल्याण होगा, ये भ्रम में किसी को नहीं रहना है। हर व्यक्ति को एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा, तब जाके ये होगा। नीतीश जी यूं ही नीतीश जी नहीं हो गए, संघर्ष किए। आज मुझे देखिए, मैं गरीब घर में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, जहां 4 रोज मछली ना मारा जाए तो 5वें रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, गरीबी से संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में घर परिवार को बच्चों को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। 900 रुपया महीने पे मजदूरी करता था, 30 रुपया रोज पे काम करता था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से बम्बई जैसे शहर में जाके हमने झंडा गाड़ दिया। आज मैं बिहार आया, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं जिस रोज चाहूंगा जिस पार्टी के साथ समझौता करके अपना अपने परिवार का राजनीति में उत्थान कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं आया हूं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया। साथियों मैं तो मंत्री बना था, मैं तो मंत्री था, एमएलसी था। अगर मैं उस समय मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करता, आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ता, तो मेरे साथ ये नहीं होता। मेरा ना विधायक खरीदता, ना हमें मंत्री से हटाता। हमने आपके लिए लड़ाई लड़ा, हमने कुर्सी को लात मारने का काम किया, लेकिन आपके अधिकार के लिए हमने किसी के सामने में सरेंडर होने का काम नहीं किया, झुकने का काम नहीं किया। आज भी आप देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी दल के साथ चला गया, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, लेकिन आपका सन्ना पल्ला किसी के साथ नहीं जा रहा है। और पूरे बिहार में आज चर्चा हो रहा है कि मुकेश सहनी जिसके साथ जाएगा उसका पल्ला भारी हो जाएगा। आज पूरे बिहार में चौक चौराहे पे यही चर्चा है। साथियों कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें लड़ाई लड़ना है और हमें इतना पता है
कि हम अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माने। कहा गांव से उठकर बॉम्बे गए और बॉम्बे से आकर बिहार में देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं, ये है सन ऑफ मल्ला का ताकत। राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, ये है सन ऑफ मल्ला का ताकत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जाके चैलेंज देना, ये है सन ऑफ मल्ला का ताकत है साथियों, ये है ताकत। किसी व्यक्ति को अगर समझना है ना, उसको किरदार को समझिएगा ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो इंसान क्या है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई है। आप लोग बड़े संख्या में यहां पर आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब समय चला गया है, किसी के सामने में कटोरा लेकर भीख मांगने का समय जा चुका है। अगर आपके शरीर में खून है तो आप वो खून को दिखाइए और लड़िए, अपना हक अधिकार सत्ता को प्राप्त करने का काम कीजिए साथियों, करने का काम कीजिए। आज बिहार में हम 22 कुरी हैं, 22 कुरी का 10.5% वोट बैंक है। अगर बिहार में एक नंबर पे कोई जाती है तो हमारा यादव भाई 14% और दूसरे नंबर पे कोई जाती है तो यह है निशा समाज, 10.5% का संख्या में साथियों। किसी को 4 पन्ने में लिख देने से क्या हम अलग हो गए? इसके भरम में नहीं रहना, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। किसका कोर्ट क्या है उस कोर्ट के पीछे हमें नहीं भागना। हर किसी को पता है कि बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, बला हो, चाय हो, तियर हो, बंपर हो, गोरी हो, सब एक ही निषाद है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सब में आपस में बेटी रोटी होता है और सब मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, पहले यह देश गुलाम था। जब ये देश गुलाम था तो हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, देश को आजाद कराया। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और संविधान में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दी। उन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन जब संविधान बाबा साहब ने बना के दिया, उन्होंने कहा कि जिसके पास वोट होगा वही देश का राजा होगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो या बहन मायावती जी हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री बना साथियों, राज्य का मुख्यमंत्री बना। कल आप भी अपने वोट को ताकत को समझिएगा, अपने नेता अपने दल के साथ रखिएगा, आपका बेटा भी, आपका भाई भी, आपके आने वाला पीढ़ी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा साथियों, राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा। चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, या सांसद या विधायक का चुनाव हो, अपने को हमेशा चुनाव उसी को करना है जिससे आपका समाज का कल्याण होगा। आपका अपना कौन है, प्राय कौन है, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा साथियों, तब जाके आगे बढ़ेगा। आज बिहार में हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, हमें किसी ने हमारा विरासत हमें नहीं दिया कि बाप दादा ने हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी बना के दिया। अगर दिए होते तो डायरेक्ट हम डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं भी मिला। आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज अगर हम संघर्ष करेंगे तब हमारे आने वाला पीढ़ी को बगैर संघर्ष किए हुए राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव बन गए। आने वाला समय में बहुत सारी लड़ाई है, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक होइए, आपस में लड़ाई नहीं लड़िए, आपस में कम ज्यादा होगा। कल आप हमारे साथ थे, किसी कारण कुछ होगा आप हमसे दूर हो जाइएगा, लेकिन कुछ देर के लिए होइए और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। किसके घर में लड़ाई नहीं होता है, मियां बीबी में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, लेकिन लड़ाई फिर आपस में सुलह होता है। हमें जैसे आपने निमंत्रण दिया हमें बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे अपने हैं, आपके हक अधिकार के लिए आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। अगर आप और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमसे लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हमसे लड़ने के लिए देश के गृह मंत्री हैं, हमसे लड़ने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री हैं। और जब तक आप हमारे साथ रहिएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई मायका लाल नहीं है कि सन ऑफ मल्ला को हरा देगा। जिस रोज आप हमारा साथ छोड़िएगा उसी रोज हम हारेंगे, वरना जब तक आप हमारे साथ रहिएगा दुनिया का कोई ताकत नहीं कि मुकेश सहनी को हरा देगा साथियों। इसलिए हम सभी को एक साथ रहना है,
आने वाला समय में जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करेंगे। हमारी एक नहीं लड़ाई है कि एक दो सांसद की लड़ाई लड़ना है, हमें अपना बिहार में सरकार बनाना है। हमें ऐसी शक्ति चाहिए कि दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने वो हमारी बात माने। इससे पहले भले चार ही विधायक था मेरे पास और बीजेपी वाले को 74 को था, लेकिन हमारा 4 वो ही था। अगर हम चाहते तो सरकार गिरा सकते थे। उस समय में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाने के लिए हमें टाइम नहीं लेना पड़ता था, सीधा निकलते थे जाते थे। जो हम चाहते थे वो सरकार में होता था। कल्पना कीजिए 4 विधायक में मैंने ऐसा कर दिया। जब 40 होगा तब क्या होगा, जब 125 होगा तब अपना सरकार बनेगा और आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आपका हजारों समस्या है, आपको पता नहीं होगा कि कितना समस्या है। आप मुजफ्फरपुर में हैं, कटिहार में क्या समस्या है आपको नहीं पता होगा, भागलपुर में क्या समस्या है आपको नहीं पता होगा, बांका में क्या समस्या है आपको नहीं पता है, कैमूर में क्या समस्या है आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। हर जिला में हजारों तरह की समस्या है और यूं कह दीजिए पूरे बिहार में अगर कम समस्या है तो सिर्फ मुजफ्फरपुर में कम समस्या है, क्योंकि मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का निषाद का राजधानी है। यहाँ पे समाज पहले से जागरूक है। आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले बाकी लोगों को सोचना पड़ता है। आप पहले से समझदार हैं और उसके बावजूद भी आपको पता होगा कितने कष्ट के साथ जिंदगी जी रहे हैं। और जहां पे हमारा समाज समझदार नहीं है वहां पे क्या हाल होता होगा, वहां पे दीन दिखारे मार देता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसके साथ क्या होगा। इसलिए साथियों आपको और हमको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने पूरे निषाद समाज के लिए सोचना है, पूरे संपूर्ण बिहार के लिए सोचना है। अगर हमारे भाई उत्तर प्रदेश में आए तो उनसे के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हमें जरूरत पड़े तो वो भी बिहार में आके हमारी मदद करेगा। साथियों जब हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ेगा तो हमसे पहले उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हमें यूपी बिहार झारखंड में तीनों राज्य में एकता के साथ आने वाले समय में जाएंगे साथियों, और मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। इसलिए इस बार भी बहुत अच्छा था और आपके पास तो वही नाव छाप है जिस नाव पे कभी आपके पूर्वज ने भगवान राम को पार लगाए थे। नाव वही है, केवट महाराज हम लोग हैं। हमारे नाव पे जो बैठेगा वही पार लगेगा आने वाले समय में, जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो नाव पार नहीं होगा साथियों, नहीं पार होगा। सिर्फ जरूरी है हम सभी को एकता के साथ रहना, अपने दल अपने पार्टी के साथ रहने का। साथियों आज भी मैं इतने बड़े मन से मैं सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आपसे हमसे थोड़ी बहुत लड़ाई झड़ाई हुआ होगा, मैं आपसे आज भी आग्रह करता हूँ, अगर आप निषाद का बेटा है, अगर आप दीपक है तो दूसरे घर में उजाला मत दीजिए, अपने वीआईपी पार्टी में आइए, वीआईपी परिवार के साथ रहिए और आने वाला समय में निषाद का घर उजाला होगा, प्रकाश मिलेगा। और जब भी समाज को अगर कल्याण होना होगा तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है वीआईपी पार्टी, ताकि वीआईपी पार्टी जिंदा रहेगा तो आने वाला समय में निषाद का बेटा सपना देख सकता है मुख्यमंत्री बनने का। अगर वीआईपी पार्टी नहीं होगा तो किसी को सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है साथियों, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 75 सालों से ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 75 सालों से नहीं होगा। अगर 2-4 विधायक बनाए या 40 विधायक बनाएंगे तो सिर्फ एक ही है, वो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी ही बना सकता है साथियों, वीआईपी पार्टी बना सकता। इसलिए तमाम हमारे सभी नेतागण, सभी माता बहन को, सभी हमारे नेतागण को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी को मजबूती से हम सब आगे बढ़ेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।